नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। किसान भाई, आज आपकी डिमांड के अनुसार मैं वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में DI 245 MSC प्रोकेशन ट्रैक्टर लेके आया हूँ। तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखिए। वीडियो के माध्यम से ट्रैक्टर की जो भी कंडीशन रहने वाली है, टायर वाइज, इंजन वाइज, बॉडी वाइज, तो ओवरऑल मैं दिखाने वाला हूँ किसान भाई वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाई, ट्रैक्टर की मॉडल की बात हम कर लेते हैं। तो 2010 मॉडल आपको ट्रैक्टर मिलने वाला है। ऑल डॉक्यूमेंट, ऑल पेपर की बात करें तो पूरे कम्प्लीट आपको मिलने वाले हैं। इंश्योरेंस की बात करें, वो रनिंग कंडीशन में मिलने वाला किसान भाई। और किसान भाई, की ट्रैक्टर को आप खरीदना चाहते हो, इसके और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। जी हाँ किसान भाई, किसान भाई ओनली आप 45,000 रुपया डाउन पेमेंट कराकर ट्रैक्टर में ले जाते हो किस्तों के अंदर। और किसान भाई, जो कैश में लेना चाहते हो तो ओनली 2.5 लाख रुपये कैश देकर आप ट्रैक्टर में ले सकते हो, 2.5 लाख के अंदर कैश के अंदर। और किसान भाई, जो ट्रैक्टर मालिक के नंबर हो वीडियो के अंदर दे दूंगा, आप ट्रैक्टर मालिक से बात करिए, जो भी ये प्राइस इसमें कम ज्यादा आप करा सकते हो, प्राइस कोई फिक्स नहीं है किसान भाई। और किसान भाई, आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि किसान भाई आप आगे जो डिमांड करोगे वैसे मैं वीडियो लाता रहूँगा, कोशिश करता रहता हूँ कि आपके लिए मैं कम कीमत का ट्रैक्टर लेके आऊँ। किसान भाई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि कौन से जिले में कौन सा ट्रैक्टर चाहिए, तो आपकी डिमांड के अनुसार वो वीडियो में लेके आऊँगा। और किसान भाई, जय जवान जय किसान, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। दोस्तों, आप ट्रैक्टर की फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हो। गोल शेप के अंदर आपको लाइटिंग मिलने वाली है और कंपनी प्रिंटेड इसमें बम्पर मिलने वाला है किसान भाई। किसान भाई, आप वीडियो पूरा एंड तक देखिए, वीडियो में मैं पूरे ट्रैक्टर को दिखाने वाला हूँ। अब आगे टायर की बात की, लगभग आगे टायर आपको लगभग 20% कम्प्लीट मिलने वाले हैं। जी हाँ, इसमें थोड़ा प्लस माइनस पॉइंट है किसान भाई, थोड़ा आगे टायर कम है इसमें, देख लीजिए आप। बच्चे इंजन को देख लीजिए, इंजन वाइज कोई इशू नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा इंजन है, क्योंकि अच्छे वर्कशॉप पर टाइम टाइम सर्विस हुई थी, तो इंजन वाइज कोई इशू नहीं है ट्रैक्टर में किसान भाई। बॉडी को देख लीजिए, बॉडी को जो है स्क्रेचेज नहीं है, मॉडल के हिसाब से ठीक ठाक कंडीशन रखी गई है किसान भाई के द्वारा, आप देख सकते हो। किसान भाई, आप अच्छे देख लीजिए, ब्रेकों को देख लीजिए, आप रेस को देख लीजिए, सीट को भी आप देख सकते हो किसान भाई हो, गेयरों को देख लीजिए, स्टीयरिंग देख लीजिए, पूरा ओवरऑल अच्छी कंडीशन का ट्रैक्टर है किसान भाई हो, आप पूरा अच्छे देख सकते हो। अब पीछे की टायर की बात करें तो लगभग 90% कम्प्लीट आपको पीछे के टायर मिलने वाले हैं, आप अच्छे देख सकते हो। पीछे के टायर भी लगभग 90% कम्प्लीट है, ट्रैक्टर में कोई किसी प्रकार का इशू नहीं किसान भाई हो, बिल्कुल शानदार कंडीशन का ट्रैक्टर है किसान भाई हो। टायरों को अच्छे देख लीजिए, और इसके हाइड्रोलिक और लिफ्टिंग सिस्टम की बात करिए, वो प्रॉपर काम करता है, आप अच्छे देख लीजिए एक बार। हाइड्रोलिक और लिफ्टिंग सिस्टम भी इसका पूरा अच्छे से काम करता है। और किसान भाई, आप ट्रैक्टर की आपको छतरी मिलने वाली है आपको, जी हाँ किसान भाई, आप अच्छे देख सकते हो। तो ट्रैक्टर में किसान भाई, ना तो इंजन वाइज, ना बॉडी वाइज, ना कोई टायर वाइज इशू है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन का मिलने वाला है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर किसान भाई के पास ही है, ये ओनली खेती के लिए यूज़ लिया जाता है, कोई लोडिंग में नहीं चलता है ट्रैक्टर, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन का ट्रैक्टर है। क्योंकि बहुत ही किसान भाई डिमांड कर रहे थे कोई DI 245 ट्रैक्टर दिखाए, तो उनकी डिमांड के अनुसार मैं वीडियो लेके आया हूँ। हैंड ब्रेक देख लीजिए आप, टूल बॉक्स देख लीजिए, म्यूजिक सिस्टम ओला बॉक्स देख लीजिए आप। किसान भाई, ट्रैक्टर आपको 3 सिलेंडर मिलने वाला है, जो माइलेज में बहुत ही अच्छा रहता है। तो किसान भाई, मैं पूरे इंजन को मैंने अच्छे दिखा दिया, पूरे ट्रैक्टर को दिखा दिया, इंजन को अच्छे देख लीजिए। तो किसान भाई, उम्मीद रहा है वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो किसान भाई जरूर शेयर कीजिए।